हाय गाइस, प्रियस किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चेरी टमाटो की सब्ज़ी। जो ये टमाटर बहुत खट्टे होते हैं, नॉर्मल टमाटर से इसका जो टेस्ट होता है बहुत खट्टा होता है और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं चेरी टमाटर की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन चढ़ा लिया है गैस पर, और उस पर मैं ऑयल डालूंगी। ये जो टमाटर होते हैं गांव में बहुत ईज़ली मिल जाते हैं, और ठंड के मौसम में तो और बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि ये ठंड के मौसम में ही ज़्यादा आते हैं। तो मेरा तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं ये उड़द दाल की जो बड़ी हम घर में बनाते हैं ये वो है, तो मैं उसे डाल रही हूँ। इससे इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर इसे डालें, ज़रूर यूज़ करें। तो हम थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये मेरी जो बरी हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद मैं गैस का फ्लेम लो करूँगी और मैं इसमें लहसुन की कलियाँ डालूँगी। तो यहाँ मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लिए थे, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कद्दूकस किया हुआ अदरक, आप यहाँ चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट कर डाल सकते हैं। सूखी मिर्ची है ये लाल वाली, आप चाहें तो यहाँ हरी वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मेथी दाना डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें सरसों के बीज डालेंगे, और 1/2 टीस्पून के करीब ही हम इसमें जीरा डालेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे भी चला लेंगे। और 1/2 टीस्पून के करीब यहाँ हम हींग डालेंगे। हींग डालने से इसमें तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर डालें। ये मैंने मेथी पत्ती ली हुई है, जिसे मैंने अच्छे से धुलकर काट लिया है। इसे अब हम डाल के 5 मिनट के लिए हल्के लो फ्लेम में ही थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए मेथी अच्छे से पक चुकी है। अब हम अपने इसमें छोटे टमाटर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इन्हें धुल लिया है, मैंने इन्हें काटा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटे हैं और ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो मैंने नहीं काटा है। और इसे चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखिए मेरे जो चेरी टमाटो हैं थोड़ी सी हल्के हल्के से गल चुके हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें अपने सूखे हुए मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, 1/2 टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, और 1 टीस्पून के करीब ही मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डालूँगी। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, कम सामान में बन जाती है, इसमें ना ज़्यादा मसाले की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जो छोटे टमाटर थे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इस टाइम पे जो हमने बरी से अच्छे रखी थी उन्हें मैंने छोटे टुकड़ों पे तोड़ लिए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे। छोटे टुकड़ों में तोड़ने का रीज़न ये था कि ताकि ये हमारी बरी जल्दी से पक जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। पानी डालने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी थोड़ी सी पतली ही बनानी है, क्योंकि ये खट्टी बहुत होती है, और दूसरा कि हमने इसमें बरी डाला है तो बरी को पकने के लिए थोड़ा तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही, इसलिए तो हम इसे अब अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे।
तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरीके से उबाल आ चुकी है और पानी भी कम हो चुका है, सब्ज़ी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो हम यहाँ पर अपनी बरी को थोड़ा सा दबा कर देखेंगे क्या हमारी बरी हमारी पक चुकी है। तो अब यहाँ पर हम अपने गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें मैं कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालूंगी और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, आप रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत खट्टी चटपटी सब्ज़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।